हाल ही में विमल का एक नया ऐड आया, यहाँ शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं। इस ऐड के बाद से ही लोग लगातार अक्षय को ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके लिए दोगला और पाखंडी जैसी बातें कही गई। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्षय ने विमल का पिछला ऐड करने के बाद जनता से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि वो इस ब्रांड को एंडोर्स नहीं करेंगे। उसके बाद फिर नए ऐड के आने से हो हल्ला मच गया। लेकिन यहाँ अक्षय की गलती नहीं है, यही बात समझाते हुए उन्होंने एक बॉलीवुड वेबसाइट को भी हड़काया। बॉलीवुड हंगामा ने लिखा था कि अक्षय की विमल के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर वापसी हुई है। अक्षय ने जवाब में एक्स पर लिखा, एम्बेसडर के तौर पर वापसी हुई है, आपके लिए कुछ फैक्ट चेक है बॉलीवुड हंगामा, अगर आप फेक न्यूज़ की जगह किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो। ये ऐड 13 अक्टूबर 2021 को शूट किया गया था। जब से मैंने पब्लिकली अनाउंस किया कि मैं एंडोर्समेंट से दूर हो रहा हूं, तभी से मेरा उस ब्रांड से कोई लेना देना नहीं। लीगल हवाले से वो लोग अगले महीने की खत्म होने तक ये वाला ऐड चला सकते हैं। कुछ सही न्यूज़ बताइए। ऐड में अक्षय कुमार की को एक्टर सौंदर्या शर्मा ने भी ट्वीट कर बताया कि ये ऐड अक्टूबर 2021 में ही शूट किया गया था। बता दें कि अजय देवगन विमल पान मसाला कंपनी के लिए ऐड किया करते थे। साल 2022 में अक्षय और शाहरुख ने उन्हें ज्वाइन किया। तीनों का साथ में ऐड आया, उसके बाद से लोग अक्षय के पीछे पड़ गए। लिखने लगे कि एक तरफ से फिटनेस की बात करते हैं और दूसरी ओर तंबाकू प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद अक्षय ने स्टेटमेंट रिलीज कर माफी मांगी थी। उन्होंने लिखा था, मैं अपने सभी फैंस और शुभचिंतकों से माफी मांगना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में आपका जो रिएक्शन रहा है उससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। हालांकि मैंने कभी तंबाकू का प्रचार नहीं किया है और आगे भी नहीं करूंगा, मगर विमल इलायची के साथ मेरे जुड़ने पर आप सबकी नाराजगी का मैं सम्मान करता हूं। मैं पूरी विनम्रता के साथ अपने कदम पीछे खींचता हूं। मैंने इस एंडोर्समेंट से मिली पूरी फीस को डोनेट करने का फैसला किया है। कॉन्ट्रैक्ट और कानूनी अवधि के मुताबिक ब्रांड कुछ समय तक अपना ऐड दिखाता रहेगा, मगर आपसे वादा करता हूं कि मैं भविष्य में अपने फैसलों को लेकर सजग रहूंगा। बदले में मैं आपसे हमेशा प्यार और शुभकामनाएं ही चाहूंगा। अक्षय ने आज तक के प्रोग्राम सीधी बात में भी इस ऐड को अपने करियर की बड़ी गलतियों में से एक माना था। उन्होंने कहा कि उनसे गलती हुई और वो इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। ये जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।